जय जय श्री श्याम। भक्त जनों, मुरली वाले श्याम के दीवाने वैसे तो दुनिया के कोने कोने में हैं, मगर रसखान की गिनती कुछ खास कृष्ण भक्तों में होती है। मुसलमान होते हुए भी रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त बने। 1558 ईस्वी में दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति के कारण कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज इस पूरी कथा में हम आपको बताएंगे कि सैयद इब्राहिम खान आखिर कवि रसखान कैसे बने। एक दिन खान साहब पान खाने एक पनवाड़ी की दुकान पर जाते हैं। दुकान पे उनकी नज़र बाल कृष्ण की मूर्ति पर पड़ती है। खान साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई, ये प्यारा सा बालक कौन है? इसका इतना सुंदर शरीर है मगर पैरों में जूते नहीं है। पनवाड़ी ने बोला, खान साहब, इसका नाम श्याम है और अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो इसके जूते आप ही बनवा के ले आओ ना। खान साहब अगले ही दिन श्याम के लिए चरण पादुका बनवा कर और पान वाले के पास जाकर उससे पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि रसखान तो चरण पादुका लेकर आ गया। तब पान वाले ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए रसखान से कहा, देखो भाई, ये नन्हा बालक कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछो। उसके बाद अपने दिल में श्याम की सूरत बसाए रसखान हर किसी से पूछने लगते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, जब प्रभु कृष्ण ने देखा कि रसखान उनको ढूंढ रहा है और वो भी बाल रूप में, तब प्रभु कृष्ण ने सोचा कि रसखान तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा, और प्रभु कृष्ण एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर रसखान के पास आए और उनकी सारी बातें सुनकर उनसे कहने लगे, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके
कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, और कई है धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, के वेश में कृष्ण जी रसखान को वृंदावन आने की बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रसखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रसखान एक पल की भी देरी किए बिना वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते थक हार कर रसखान जी वृंदावन पहुंचते हैं। बिखरे बाल, सूखा चेहरा, थका बदन, रसखान की हालत पागलों जैसी हो गई थी। रसखान जी अन्य समुदाय के थे, इसलिए उनको पुजारियों ने मंदिर में आने से मना कर दिया। श्याम मिलन को व्याकुल, रसखान जी रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दो मुझे, बहुत है काम जरूरी। मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, साहब को मन में विश्वास था कि श्याम उनसे जरूर मिलेंगे। और इसी विश्वास में खान साहब मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए, चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त रसखान ने अपने हृदय में बसा रखी थी, ठीक वैसी ही छवि का बालक श्याम रसखान की गोद में बैठा था। रसखान मानो खुशी से पागल हुए जा रहे थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, साहब ने जब देखा कि श्याम के पांव घायल हुए पड़े हैं, तब खान साहब रो रो कर श्याम से कहने लगे, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, तब प्रभु कृष्ण उनसे कहने लगे, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, और भक्त का ऐसा अद्भुत मिलन शायद ही कभी देखने को मिले। और वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने रसखान से कहा कि हे मेरे परम भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन पैदल चलकर आया हूं, ताकि आपसे चरण पादुका लेकर मैं पहन सकूं। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, श्याम मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा,
खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ